Let's start with the division. We'll be solving. After that, we will discuss. चलिए बेटा स्टार्ट डूइंग. आओ बेटा बोर्ड पे करो. जैस्मिन in your notebook. मैम बोर्ड मैम बिल्कुल क्लियर नहीं है. बाकी बच्चों बोर्ड क्लियर है? गिव मी द रिस्पांस. बच्चे बेटा एक माइक से इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है बेटा. Thank you.
On the board. So beta, first of all, like if this verification is given to you, then you are not to solve like this as she has solved simultaneously. Agar aapne isko parallel solve karna hai, to beech mein line lagani padegi, na ki equal to ka sign. Agar aap starting se hi equal to ka sign laga dete ho, fir iska matlab to ye hai ki aapne starting se usko ye assume kar liya ki to equal hai. To verify kya kiya? नहीं, not equal to, नहीं, verify का मतलब होता है solve करो और फिर बताओ कि ये equal है. अगर starting में ही हम उसको equal मान लेते हैं तो फिर वो आधा number उसका कटता है. ठीक है, तो line लगानी या ऊपर नीचे करो या line लगाओ. -21 now -4 this is right. See beta, 4 and 6 they are not multiplying, multiply तो नहीं हो रहे. -4 -6 it is -10 then to ye minus tha then this -21 and -10 becomes +210. Now come to the right hand side, here these numbers are getting multiplied. Dono minus minus wale multiply ho rahe hain to +84. दोनों माइनस माइनस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +126. ये पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो 210 आंसर, हेंस इट इज वेरीफाइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. बात समझ में आई? हेंस वेरीफाइड. उसके नंबर नहीं कटते हैं मनीष, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख देगा ना, तब भी पूरे नंबर दूंगी मैं. आओ नेक्स्ट सम करो, उसको कर लिया आपने, करो बोर्ड पे. 1 मिनट जस्ट वेट 1 मिनट. एंड यूजिंग प्रॉपर्टी आप ये करो. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट हु हैव डन दिस वन, दे विल ट्राई दिस वन. हरि अप. Yes, beta. See, -41 into 102. -41, 102 है तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखो. 100 plus 2. Then -41 into 100. इसका ना प्रॉपर स्टेप लिखते हैं कनिष, कैसे? -41 into 100 plus -41 into 2. It becomes -4100 -82. Both are negative. When it will be added, the answer will be -4182.
इज इट क्लियर पवन? नेक्स्ट क्वेश्चन करो आके. हाँ जी बेटा, जिसका नाम लिया वही करेगा. पवनदीप आ जाओ. इंटीजर आना ना टेस्ट में. चलिए. हाँ जी बन मिले. बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डन दिस सम देन यू कैन ट्राई दिस वन. आई हैव रिटन द नंबर्स फ्रॉम माय सेल्फ, सो व्हेन यू सी व्हाट अप्रोक्सीमेट आंसर यू कैन फाइंड आउट. फाइंड द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स. सो यू शुड नो द मेथड. मेथड याद हो तो आप सॉल्व करो. चलिए
See, beta, this sum when it will always come that you have to solve by using property. Which property? भव्या हमेशा यहाँ पर लिखना है साइड पे. इसके नंबर कटेंगे नहीं तो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पवन इधर देखो, आपने देखा ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. ठीक है, यू टुक -48 कॉमन, दैट इज द राइट स्टेप. -48 को अगर ब्रैकेट में लिख भी दिया तो इनको भी तो ब्रैकेट में लिखना है. इसको मत लिखो चाहे ब्रैकेट में. 26 बचा यहां से, प्लस यहां से क्या बचा, -36. फिर ये प्लस माइनस माइनस. 26 माइनस 36, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस होगा, माइनस होके आएगा -10. तुम इन दोनों को प्लस कर रहे हो, अजीब सा ही आंसर आएगा. सीधा -10 -48 इनटू -10, आंसर इज पॉजिटिव 480. नहीं आया था, अब समझ आ गया. सिमिलरली द एवरेज क्वेश्चन. Average means you have to add all the sum of number values over number of values की जगह पे लिखा करो observations या numbers, sum of numbers या total over total numbers. वैसे values लिखोगे तब भी अभी इस level पे number नहीं काटेंगे, but आप fix रखो जो आपको करवाया गया है. Sum of observations and sum of numbers over total numbers. प्लस करके 18.6 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज दीज आर 3 नंबर्स, सो द आंसर इज 6.2. क्या हो गया, हाँ जी, who will do? Only Bhavya has raised the hand. What about others? कुछ कह रही हूँ मैं, आप थप्पड़ पड़ रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है, फिर ये किस बात का डर है? नवे आओ इधर, चलो कुछ नहीं कहूंगी बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ, शाबाश, try the sum, it's okay. आता है? बिल्कुल नहीं आता. प्रणव आओ, चल फिर पवन करेगा, आजा बेटा, शाबाश, ट्राई करो, आजा. नैतिक आ जाओ, कनिष्क आपने किया है बोर्ड पे सम, अभी एक किया था ना, चलो कोई नहीं, ये करो, चल आजा.
देखो बेटा आप लोग भी देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी देखो. दिस इज एक्स, दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो क्लियरली एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, बट विच रीजन? यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. Corresponding angles are, then there are two parallel lines and there is a transversal. So these angles are corresponding. ये corresponding, ये corresponding और ये मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ. You're telling me, you're asking me. If you're telling me, then why didn't you write? Yes, this is vertically opposite angles. Vertically opposite angles. ठीक है, फिर आपने, फिर आप यहां लिख रहे हो x, ये y, y plus 55, पूरा लिखो ऐसे, y plus 55 is 180 linear pair, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 180 minus 55, that is 125. अब आधा नंबर तेरा यहां से जाएगा, ठीक है, फिर अगर तू उल्टा लिखता आधा नंबर में वहां काटती. y निकाल लिया 125, अब z के बारे में कुछ लिखा नहीं, पूरा एक नंबर गया. तीन एंगल्स निकालने थे ना, तीन नंबर थे, x y z. आपने x y निकाल दिया, z के बारे में बात नहीं की, तो वो जो फ्री का नंबर था z is equal to 125 vertically opposite angle, वो भी जाएगा. क्यों? क्योंकि तूने z मेंशन नहीं किया. समझ आ गई? ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने हैं बेटा, कोई आउट ऑफ द वे को डिफरेंट क्वेश्चंस थोड़ी आपको डाल देंगे हम. बुक में से आना जो आना है. नेक्स्ट, सी बेटा, दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. सो ओनली 40 एंड z आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अदरवाइज ये y किसी ऐसे, y किसके साथ वर्टिकल ऑपोजिट है? ये पूरे के साथ. y और x वर्टिकल नहीं है क्योंकि x इस लाइन से बन रहा है और ये लाइन आगे प्रोड्यूस नहीं हो रही. सो z इज 40 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं. 40 प्लस x प्लस 25 इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. रीजन लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर कटेंगे. ये गलत है, ये भी गलत है. 40 प्लस 25 65, तो x यहां से आएगा तुम्हारा 115. बात समझ में आ रही है? समझ सब आता है, लिखना ही नहीं आता. उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पर y और 40 के साथ लीनियर पेयर लगा दो, चाहे y और z के साथ लीनियर पेयर लगा दो, y आएगा 140,
y plus 40 is 180 linear pair, so y is 140. कर ही जाए बेटा, सही होगा तो नंबर मिलेंगे, वरना कहानी डालते रहना आप पेपर में, जो मैडम सीधा सीधा करवाते हैं वो मत करना। कृष्णा करेगा, जैस्मिन, अब उतने से बच्चे हैं उनमें से बुलाऊंगी ना, सारे होते तो सबके पास आपकी, चलो कॉपी पे करो, कौन कर सकता है बोर्ड पे? नैतिक, आपने एक भी सम नहीं किया बोर्ड पे, करोगे? आता है? चलो करो कॉपी पे ट्राई। Difference among two complementary angle is 12. Find the angles. Karega? Aaj. टाइम पास करने के लिए आते हो। The difference among two complementary angles, एक एंगल है x, दूसरा एंगल है Yeah.